हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप क्लास 12th में केमिस्ट्री के अंतर्गत 95+ बिल्कुल स्कोर करने वाले हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि आप इस वीडियो में ऐसा क्या बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट आपके क्लियर होंगे कि केमिस्ट्री की तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपको किस प्रकार से क्वेश्चनों को तैयार करना है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या आपके लघुत्तरीय हो या आपके आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल हो, सारे के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको किस प्रकार से बचे हुए टाइम पर अपनी स्टडी को बरकरार रखना है, तो वो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो बने रहेगा अंत तक। अगर आपको भी 2024 में बोर्ड परीक्षा देना है तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहां पर जो है क्लास के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है और साथ ही हैंड रिटन नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं पर सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। चलिए बात करते हैं बच्चों, 2024 में आपका न्यू पाठ्यक्रम जो कि न्यू सिलेबस है उसको पहले जान लेते हैं। और यह लगभग आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, काफी सारे बच्चों को अभी जो है नहीं पता है कि कौन कौन से चैप्टर आपके कटे हैं, क्योंकि आपका जो पुराना सिलेबस था बच्चों 2023 का या 2022 का बात करें तो कोविड-19 के टाइम पर क्या था, आपका सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ था, ठीक है, हटाया गया था। लेकिन अगर 2024 की बात करें बच्चों, है ना, तो 2024 में आपका एक सिलेबस नया जारी हुआ है क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत, तो वही आज के इस वीडियो में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो सिलेबस है, ठीक है, नया पाठ्यक्रम जो है ये आपका NCERT पैटर्न के अंतर्गत है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड की बात करें तो आपका ये सिलेबस देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो ये आपका पहला चैप्टर है विलियन, तो विलियन चैप्टर है दोस्तों जो सॉल्यूशन, ये आपका आप चैप्टर नंबर 1 बन गया। पहले आपका एक चैप्टर होता था ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, ठीक है, तो उसको यहां से हटा दिया गया, तो आपका विलियन चैप्टर से स्टार्ट करना है। और न्यूमेरिकल बच्चों देखिए, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहां पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, फिजिक्स में भी बात करें तो यहां पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो बिना न्यूमेरिकल के आप जो है अच्छे नंबर नहीं ला सकते इन सब्जेक्टों की अगर बात करें। तो विलियन आपका हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका सेकंड चैप्टर है यहाँ पर वैद्युत रसायन, मात्र आपको जो बताऊंगा इतने ही चैप्टर तैयार करने हैं, और इन चैप्टरों को कैसे तैयार करना है, किस किस टॉपिक को कहाँ से लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वैद्युत रसायन आपका सेकंड चैप्टर हो गया यानी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, और इसके बाद बच्चों आपका तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, है ना, तो ये आपका थर्ड चैप्टर है रासायनिक बलगत की, और इसके बाद पांचवा सॉरी चौथा चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। और यहां से देखिए एक जो है पी और एफ पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसको हटा दिया गया है, तो वो आपका जो है इससे मतलब हट चुका है, तो आपको यहां पर डी एवं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ये चैप्टर पढ़ना है। और आपका पांचवा चैप्टर है उप सहसंयोजन यौगिक, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां से दोस्तों आपके IUPAC नामकरण बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 आपका हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन्स, तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि टोटल आपका जो फर्स्ट बुक है, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो आपके ये दो बुक जो है दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपको ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, विलियन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगत की, डी एम या ब्लॉक के तत्व, उपसहसंयोजन यौगिक। और इसी प्रकार से सेकंड में आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, कार्बनिक रसायन की बात करें, तो बच्चों यहाँ पर हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन्स हो गया, इसके अलावा एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर हो गया, और इसके बाद आपका आता है आठवां चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 है एमीन, और चैप्टर नंबर 10 है जैव अणु। तो टोटल आपको बच्चों 2024 में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो बच्चों यहां पर 10 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है बोर्ड परीक्षा में, और इन्हीं 10 चैप्टर से आपका पेपर बनने वाला है, बिल्कुल आपको इतने ही पढ़ने, इससे बाहर आपका पेपर कहीं से नहीं आएगा, ठीक है, 2024 की अगर बात करें। तो ये तो हुआ आपका देखिए सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि इन चैप्टर में कहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे और कहाँ से IUPAC नाम कड़ा आएगा, यानी कि जो आपका IUPAC देखिए 5 नंबर का आता है,
और आपकी केमिस्ट्री में बात करें तो कुछ आपकी नेमिंग रिएक्शन होते हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं भी होती हैं। तो वो अभिक्रियाएं आपको किन चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछी जाएंगी वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके तहत आपको एक नॉलेज हो जाएगा और आप उन क्वेश्चनों को उन्हीं चैप्टर में देखेंगे और वहीं से आप तैयारी करेंगे। तो ये सारे के सारे जो मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो बच्चों आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको जानना है कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं, ठीक है। कितने प्रकार का मतलब मेरा यह है कि जो आपका पेपर आएगा, देखिए यूपी बोर्ड की अगर बात करें बच्चों, तो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी, मैथ, जितने भी सब्जेक्ट हैं, टोटल आपके 6 या 7 ऐसे पेपर के सेट बनते हैं जो कि आपके अलग अलग होते हैं, क्योंकि पेपर का जो एक सेट होता है वो लगभग कई जिलों में जो है चलाया जाता है, जो परीक्षा होती है उसमें एक सेट जो है कई जिलों के लिए निर्धारित होता है। जैसे कि आपका पेपर का कोड नहीं होता है, वहां पर 316 हो गया और ए बी करके ऐसा कोड पेपर का रहता है, तो एक कोड के जो है एक मतलब ये जो एक सेट होगा ये एक कोड के लिए होगा। इसी प्रकार से 316 ए डी ए वी, मतलब यहां पर जो संख्याएं बदल जाती हैं वो आपके सेट होते हैं। तो ऐसे 6 से 7 सेट बनाए जाते हैं और उनमें जो है क्वेश्चन जो है बीच बीच से अलग रहते हैं। जैसे कि आपका एक सेट है तो इसमें क्वेश्चन अलग आएंगे और अगला सेट होगा तो उससे कुछ क्वेश्चन मैच करेंगे, कुछ क्वेश्चन अलग से आएंगे। तो ऐसा होता है पेपर के सेट में, ठीक है, ये तो डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं आपके, ठीक है, और कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जैसे सबसे पहले अगर बात करें केमिस्ट्री में बच्चों, तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 6 नंबर के लिए आता है, ठीक है। तो 12th में आपका कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो 6 एक-एक नंबर का होता है, आपको पता ही होगा, तो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आपको देखिए कैसे करना है वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट आपका टॉपिक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो ये आपके जो है इस प्रकार से आते हैं कि आपको सिर्फ 1 नंबर के लिए भी पूछा जाता है, जो कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप से आपका अति लघु उत्तरीय भी होता है, जो कि आपका ये भी 1 नंबर और ये आपका एक होता है अति लघु उत्तरीय जो कि 2 नंबर के लिए भी आता है, ठीक है। तो 1 और 2 नंबर के अंतर्गत ये अति लघु उत्तरीय आएंगे और इनमें आपका क्वेश्चन जो आएगा यहाँ आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग बोल रहे होंगे कि भैया 2 नंबर में न्यूमेरिकल आते हैं क्या, तो जी हाँ, यूपी बोर्ड की अगर बात करें स्पेशली तो यहां पर 2 नंबर के लिए भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और अदर स्टेट बोर्ड की बात करें तो आपका यहां पर 1 या 2 नंबर के लिए परिभाषाएं आती हैं, जैसे कि कोई नियम आ गया, मान लीजिए आपका हेनरी का नियम हो गया, राल्ट का नियम हो गया, तो केमिस्ट्री में जितने भी नियम है वो आपके 2 नंबर के लिए यहां पर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका अति लघु उत्तरी हो गया। इसके बाद बात करें दीर्घ उत्तरी में, तो आप जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको पता है कि 5 नंबर के लिए आता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको कहां से पढ़ने तो वो भी जानेंगे, आपका ये नंबर का विभाजन मैं बता रहा हूं। और आंकिक प्रश्न जो होता है बच्चों, ये आपका 3 नंबर के लिए आता है, ठीक है। 3 नंबर के लिए एक न्यूमेरिकल आएगा, तो मतलब एक न्यूमेरिकल अभी एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन का 3 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और डेरिवेशन की बात करें, जैसे कि डेरिवेशन आपका केमिस्ट्री में बोल रहे होंगे आप लोग कि डेरिवेशन कहां से आएगा, तो डेरिवेशन बच्चों आपका आता है चैप्टर नंबर यहां पर 3, रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी में आपने पढ़ा होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधायुकाल और इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक, और इसी प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है। तो ये 2 डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है और 2 में से 1 आपका पक्का 100% गारंटी के साथ आपका डेरिवेशन इसमें आने वाला है 2024 में, ठीक है बच्चों। और IUPAC नामकरण की बात करें तो मैंने बताया कि आपका उप सहसोजन योगिक जो चैप्टर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 5 न्यू सिलेबस के अनुसार, यहां से बच्चों आपका एक जो है IUPAC नाम आता है, जो कि एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अंतर्गत आपको दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें लिगेंड होता है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन होता है, और इसका कुल मिलाकर आपको IUPAC जो आएगा आपका यहीं से आएगा। और इस पर हमारे चैनल पर ऑलरेडी काफी सारे वीडियो अपलोडेड हैं, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब यार कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर चैनल का ग्रोथ भी होगा, तो आपको पढ़ाने भी हमें मजा आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक IUPAC नामकरण हो गया। इसके बाद बच्चों आपका क्या होता है, जब ये देखिए ये जो आपका IUPAC नामकरण है ये 5 नंबर के लिए भी आता है आपके क्वेश्चन में, पेपर में, और क्या होता है जब के अंतर्गत रिएक्शन 5 नंबर का आता है और कैसे प्राप्त करेंगे ये भी दोस्तों 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो होंगे ना ऐसे, और इनमें कुछ प्रयोगशाला विधियां भी आती हैं और आपके जो महत्वपूर्ण नियम, जैसे कि यहां पर हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया, ऐसे नियम जो होते हैं ये भी
भी आपके नियम आते, तो नियम तो मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3 नंबर के लिए है आपके आने वाले हैं, ठीक है। और बात करें प्रयोगशाला विधियों की, अब हम बात कर लेते हैं प्रयोगशाला विधियाँ। देखिए प्रयोगशाला विधियाँ आपकी बनेंगी तो एल्कोहल फिनाल ईथर, ये चैप्टर हो गया। इससे आपको जितनी भी प्रयोगशाला विधियाँ मैं आपको बता भी दूंगा अगर आप चैनल पर बने रहेंगे, तो टेंशन नहीं लेना आपको बिल्कुल। और एल्डिहाइड कीटोन और एमीन, ये 3 चैप्टर बच्चों ऐसे हैं जहाँ से आपकी प्रयोगशाला विधियाँ बनेंगी। और एक प्रयोगशाला विधि का आपको 5 नंबर बच्चों दिया जाता है, ठीक है, 5 नंबर। इसके अलावा यहाँ पर आपका एक जैव अणु जो चैप्टर है, इससे आपका ग्लूकोज की संरचना के लिए क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो भी है इसमें पढ़ने को मिलेंगे। और बच्चों बात करें न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होगा आंकिक प्रश्न, वो आपका बिलियन से, इसके अलावा वैद्युत रसायन से और रासायनिक वलगतिकी की से। ये 3 चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं, और इन्हीं 3 चैप्टर से आपका आंकिक प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक बहुत ईजी हो गया, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इन्हीं 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा आपका कहीं से भी आंकिक प्रश्न नहीं आएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, मेरे ऊपर बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। न्यूमेरिकल को कैसे पूरे पूरे नंबर आप न्यूमेरिकल में लाएंगे बोर्ड परीक्षा में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 चैप्टर हो गए, तो देखिए आपके यहां पर काफी सारे डाउट क्लियर हो गए। और देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव तो यार यहां पर देखिए सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो आपकी इन शुरुआत के 3 चैप्टर से बनेंगे, और इसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, मतलब एक एक टॉपिक में यार टाइम लगेगा, लेकिन सारी चीजें मैं आपको टाइम के साथ बोर्ड परीक्षा से पहले बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सारी तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा। तो बस यार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपना प्यार दिखाइए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो को बताने का मेरा मतलब मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा नॉलेज कराया जाए कि आखिरकार पैटर्न कैसा होगा, कैसे क्या चीजें कहां से पूछी जाती हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों को पता भी नहीं रहता कि ऑब्जेक्टिव कहां से आएंगे, तिलगोत्री कहां से आएंगे, और जो आंकिक प्रश्न होते हैं वह कहां से बनते हैं। आपको लगेगा कि यार न्यूमेरिकल जो है पूरी किताब से आते हैं क्या, तो जी नहीं, पूरी किताब से नहीं आएंगे। प्रयोगशाला विधियों की बात करें तो क्या पूरी किताब से आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से कुछ क्वेश्चन हर बार सेलेक्ट किए जाते हैं, तो वही चीजें मैंने यहां पर बताई हैं। और आपका पैटर्न भी देखिए चेंज हो चुका है, यहां पर कुछ चैप्टर का हटा दिए गए, टोटल आपको 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं, तो और इजी आपको हो गया है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करेंगे जितने भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।